उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, जो कि इंडिया गठबंधन के लिए और कांग्रेस के लिए अति महत्वपूर्ण है। माननीय राहुल जी और माननीय प्रियंका जी के निर्देशानुसार इन 10 विधानसभाओं में इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी होते हैं उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए एक अति महत्वपूर्ण बैठक आज यहां बुलाई गई। स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को और राहुल जी के और प्रियंका जी के इन प्रयत्नों को समर्थन दिया, साथ दिया, उसका हम विशेष रूप से हम सब आभारी हैं। और हमें आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की कुशासन को हटाने के लिए एक मजबूत ताकत के रूप में जो अपेक्षा और आकांक्षा के साथ उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस की ओर देख रही है, उसमें हमको खरा उतरना है और उसके चलते हुए अपने जिम्मेदारी का वहन करने के उद्देश्य से आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, विधानमंडल की हमारे अध्यक्षा, सभी सांसद और हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता आज इस बैठक में उपस्थित थे, जो कि आने वाले इन 15 दिनों में इन 10 विधानसभाओं में तैयारी के साथ किस प्रकार से चुनाव जीतने की संभावनाएं वहां पर हो सकती हैं और कैसे हम बेहतर रणनीति के तहत लोगों को साथ में जोड़कर उनका विश्वास हासिल कर सकते हैं, उस पर चर्चा हुई। आगामी 20 तारीख से और अगली 20 अक्टूबर के बीच में 10 विधानसभा स्तरीय सम्मेलन, संविधान सम्मान सम्मेलन, जो कि राहुल जी ने जिसकी शुरुआत प्रयागराज से की है, उन्हीं सम्मेलनों के उनके संदेश को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी कार्यकर्ता हमारे गठबंधन के साथ ही उसमें शामिल हो सकें, उन्हें सम्मिलित करके इसका सम्मेलनों को हम सफल बनाएंगे। सर, क्या सीट बंटवारे को लेकर शीर्ष नेतृत्व और विशेष रूप से इंडिया गठबंधन के जो भी शीर्ष नेता हैं, इसके बारे में चर्चा विमर्श जरूर करेंगे, लेकिन सीट जो भी होगी, जब इंडिया गठबंधन को जिताना होगा तो समाजवादी और कांग्रेस को दोनों को मजबूत होना पड़ेगा और तभी चीज सुनिश्चित हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी कोई उनके एथिक्स और कोई वो तो नहीं है, सभी अनैतिक तरीकों का भी उपयोग कर वो सिर्फ सुनिश्चित करना चाहते हैं सिर्फ जीत। लेकिन कांग्रेस इस सरकार की विफलताएं और साथ ही साथ जो राहुल जी का उद्देश्य है, चाहे वो जनगणना का हो, चाहे सामाजिक समरसता का हो, चाहे इस नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान का हो, तो यही संदेश वो लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और जिस प्रकार से एक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी पूर्ण भूमिका उन्होंने पार्लियामेंट में रखी है, उस आधार पर भी लोगों का विश्वास हम हासिल करेंगे। चर्चाएं तो होती रहती, कोई निर्णय तो अभी कुछ हुआ नहीं है। 10 सीटें हैं, 10 सीटों में सम्मानजनक तरीके से ही कांग्रेस अगर वो होता है तो हम गठबंधन, तो स्वाभाविक है, इच्छा तो हमारी वही है कि गठबंधन में लड़ें। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।